हेलो फ्रेंड्स, मैं हुरकू। वेलकम टू माय चैनल। एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। बचपन से ही हम ये बात सुनकर बड़े हुए हैं और ये सच भी बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसा भी फल है जिसकी न्यूट्रिटी वैल्यू आपको चौंका देगी एप्पल के मुकाबले। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अमरूद की। अमरूद ये बहुत ही गुणकारी फल है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये खाने के लिए सेफ भी होता है। तो आइए जानते हैं अमरूद खाने से गर्भावस्था में क्या फ़ायदे मिलेंगे, गर्भावस्था में कितने अमरूद आप खा सकती हैं, अमरूद खाने से क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, अमरूद खाते समय क्या प्रिकॉशंस लेनी है। आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। वीडियो को पूरा जरूर देखें। अमरूद, जैसे कि मैंने अभी कहा, ये बहु गुणकारी है। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। अगर आप 100 ग्राम अमरूद का सेवन करती है तो इसमें लगभग 80 ग्राम पानी होता है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें 14.32 ग्राम इतनी होती है। अमरूद में कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में होता है। 18 मिलीग्राम इतना कैल्शियम आपको मिलता है अगर आप 100 ग्राम अमरूद खाती हैं। इसमें विटामिन सी 288.3 मिलीग्राम इतना होता है। अमरूद में विटामिन ए भी प्रचुर मात्रा में होता है। लगभग 31 यूजी इतना विटामिन ए हमें मिलता है और कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स इसमें होते हैं, जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, जिंक, सोडियम, ये सभी हमें अमरूद में मिलता है। अमरूद में फाइबर की मात्रा भी अधिक होती है, लगभग 5.4 ग्राम। इन सभी न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है अमरूद। तो चलिए जानते हैं प्रेगनेंसी में अमरूद खाने से क्या फायदे मिलेंगे। अमरूद में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो गर्भवती को इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है और इससे गर्भवती महिला को कई तरह की बीमारियों और इन्फेक्शन से बचने में मदद मिलती है। अमरूद बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बचाता है। अमरूद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेने से बच्चे के विकास में भी मदद मिलती है। अमरूद में फॉलिक एसिड होता है जो बेबी की डेवलपमेंट में फायदेमंद होता है। अमरूद में आयरन भी होता है जो गर्भवती महिला को एनीमिया से बचाता है। तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अक्सर महिलाओं को प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देखी जाती है। अमरूद में बहुत ही उच्च मात्रा में फाइबर पाए जाते हैं जो आपकी समस्या को दूर कर देता है और ये आपके पाचन को भी सुधारता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन से राहत मिलती है। इसके अलावा अमरूद में विटामिन B3, B6 और मैग्नीशियम पाया जाता है। इससे तान, तनाव, चिंता, मानसिक समस्याएं जो होती है उसे दूर रखने में मदद मिलती है और गर्भवती का दिमाग भी शांत रहता है। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर होने के कारण ये आपकी आंखों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। ये आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी मदद करता है। ब्लड शुगर की लेवल को नियंत्रित रखने में मदद करता है अमरूद। अमरूद में शुगर को कम करने वाले घटक मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में बढ़ी हुई शुगर को कम करने में मदद मिलती है। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है अमरूद। अमरूद में पोटेशियम की और फाइबर की मात्रा भरपूर होती है, जिसके कारण बढ़े हुए बीपी को कम करने में मदद मिलती है। मॉर्निंग सिकनेस में भी अमरूद खाने से लाभ मिलता है। ये तो है ढेर सारे फायदे अमरूद खाने के। अब देखते हैं कब और कितने अमरूद आप खा सकती हैं। आपको ज्यादा कच्चे और ज्यादा पके हुए अमरूद नहीं खाने हैं। आप साफ पके हुए अमरूद अच्छी तरह से वॉश करके खा सकती है। दिन में कभी भी आप अमरूद का सेवन कर सकती हैं। उसमें भी अगर आप सुबह और शाम के ब्रेकफास्ट में अमरूद लेती हैं तो ये आपके लिए लाभदायक होता है। अब बात करेंगे कि दिन में आप कितने अमरूद ले सकती हैं। अगर अमरूद छोटे हैं तो आप 2 अमरूद का सेवन कर सकती हैं और अमरूद अगर साइज में बड़ा है तो 1 अमरूद सफिशियंट होता है। इन सभी प्रिकॉशंस के साथ प्रेगनेंसी में आप अमरूद खाने का मजा ले सकती हैं। अब अमरूद खाने से जो दुष्प्रभाव होते हैं उसे जानते हैं। अमरूद में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर ज़्यादा अमरूद का आप सेवन करती हैं तो आपकी बॉडी में ज़्यादा फाइबर जाता है, जिसकी वजह से आपको पेट में मरोड़ और दर्द की समस्या हो सकती है। बिना धोए बिना साफ किए अमरूद का अगर आप सेवन करती है तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। अमरूद के जो दुष्प्रभाव है उससे उसके बेनिफिट्स कहीं ज्यादा है, इसीलिए इसे अच्छे से क्लीन करके वॉश करके प्रेगनेंसी में आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। अमरूद का इस्तेमाल आप अपनी डाइट में जरूर करें और हेल्दी और हैप्पी रहे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो थोड़ी भी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आगे भी आप मेरी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।